टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई में झमाझम बारिश से मुंबई की सड़कें डूब गई हैं, सड़कों पर पानी की नदियां बह रही हैं। दक्षिण मुंबई से लेकर पश्चिमी उपनगर और पूर्वी उपनगर दोनों जगहों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट में दर्दनाक हादसा हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच यह आज सुबह त्रिमूर्ति चाल में तीन कमरे अचानक ढह गए और चाल के पास खुले नाले में एक महिला और दो लड़कियां गिरकर बह गई। उनके कमरे के पीछे यह नाला बना हुआ था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक लड़की को बचा लिया गया है जिसका इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है और दो लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दरअसल चाल के पीछे ही ये नाला है और इसी नाले में तीन कमरे ढह गए। कमरे के साथ साथ घर के तीन सदस्य बह गए थे, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। घटना स्थल पर राहत टीम मौजूद है। मुंबई में हाई टाइड के साथ साथ भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इनकी ऊंचाई 4.51 मीटर तक बताई जा रही है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोअर परेल, दादर, हिंद माता, किंग सर्कल, यायन, सायन, चेंबूर, अंधेरी, सांता क्रूज और कई इलाकों में सड़कें डूब गई हैं और मौसम विभाग अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई, ठाणे और उत्तरी कोंकण में रेड अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।